नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल भारद्वाज और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी इस वक्त की सुर्खियां। गैंगरेप पीड़िता हारी जीवन की डोर, 13 दिनों तक किया मौत से संघर्ष। संकल्प रैली के बहाने कांग्रेस ने किया चुनावी शंखनाद, आमजन के लिए मुसीबत बनी रैली। मुख्यमंत्री के बाद चिकित्सा मंत्री ने ली भोजन से बीमार हुए लोगों की सुध, ज्यादातर मरीज खतरे से बाहर। और आधार कार्ड बनाने के लिए खुले 10 नए केंद्र, उमड़ती भीड़ के आगे कम पड़े सेंटर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। पिछले 13 दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रही 23 वर्षीय गैंगरेप पीड़िता ने दम तोड़ दिया। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी सूचना दी है। पीड़िता का परिवार पार्थिव देह के साथ आज 12 बजे सिंगापुर से भारत के लिए रवाना होगा और कल उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल इंडियन हाई कमीशन के अधिकारी और पीड़िता के माँ बाप और भाई अस्पताल में मौजूद है। निधन की मुख्य वजह मल्टी ऑर्गन फेल होना बताया जा रहा है। माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि भारतीय समयानुसार 2:15 बजे लड़की ने दम तोड़ा। सिंगापुर में माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के कर्मियों ने कहा कि हम लड़की की बहादुरी और उसके जज्बे को सलाम करते हैं। उस लड़की ने बेहद हिम्मत दिखाई और उसमें जीने की अदम्य इच्छा थी। यह उसकी हिम्मत ही थी कि बेहद नाजुक हालत में वह दिल्ली से सिंगापुर तक आ सकी। हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। प्रदेश कांग्रेस ने जयपुर के रामलीला मैदान से संकल्प रैली के बहाने चुनावी शंखनाद कर दिया। संगठन के मुखिया डॉक्टर चंद्रबान ने पार्टी के 128वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में 128 सीटें जीतने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन स्तर पर मिशन 128 का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी हर कार्यकर्ता एकजुट और संगठित होकर इस संकल्प के साथ काम करे ताकि अगले साल सचिवालय में जाने का रास्ता एक बार फिर खुल सके। आज जो स्थिति बनी हुई है इसको बनाए रखना है। आज हम कांग्रेस के स्थापना दिवस के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। इससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। इसीलिए हमने इसको संकल्प रैली के रूप में इस सभा को और इस रैली का आयोजन किया। हम सब लोगों को एकजुट होकर के कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मैं आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं। 1.5 साल से मैं भी संगठन के काम में लगा हूं। संगठन का काम काफी कुछ अच्छा रहा। आज मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं और मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात राजस्थान की जनता कह रही है कि यदि आज की तारीख में चुनाव हो जाए भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट नहीं मिलेंगे और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से कोई नहीं रोक सकता। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी एक हमारा साथी अभी पीसीसी में कह रहा था कि आप चिंता ना करो, कांग्रेस के 125 सीट आएंगे। मैंने कहा 125 सीट नहीं, कांग्रेस के 128 सीट आनी चाहिए, क्योंकि 128वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। इसके लिए हम सब लोगों को मेहनत करनी होगी। इससे पहले कांग्रेस का 128वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित समारोह में संगठन के मुखिया डॉक्टर चंद्रबान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर झंडा फहराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विभिन्न अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, बोर्ड और समितियों के अध्यक्ष और विधायक, पार्षद और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। डॉक्टर चंद्रबान ने सेवादल कार्यकर्ताओं से गार्ड ऑफ ऑनर लिया। झंडारोहण के बाद सभी ने ध्वज की सलामी ली और ध्वज वंदना के बाद रामलीला मैदान में होने वाली सभा में भाग लेने पहुंचे। कार्यकर्ताओं को अपनी सालगिरह का तोहफा देते हुए कांग्रेस ने ऐतिहासिक रामलीला मैदान में चुनावी शंखनाद करते हुए पार्टी के मुखिया डॉक्टर चंद्रबान ने संकल्प रैली के बहाने भाजपा पर जमकर प्रहार किए। उनके निशाने पर सीधे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे फिर से सत्ता में नहीं लौट सकती हैं। गुजरात में मोदी की जीत का असर यहां नहीं दिखाई देगा और न दिल्ली की ओर उनका रास्ता राजस्थान होकर जाता है और उसे प्रदेश की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के वोट डरा करके ले लिए,
लोभ और लालच देकर के ले लिए, ये लानत है उनकी सफलता के ऊपर। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, ये गुजरात का एक्सपेरिमेंट राजस्थान में नहीं होगा, देश में नहीं होगा। ये भी हम कहना चाहेंगे, तुम जिसको अश्वमेध का घोड़ा समझते हो उसको हम रोकेंगे। ये गुजरात से दिल्ली जाने का रास्ता राजस्थान होकर के जाता है। ये यहां पर बोगारा जी बैठे हैं, इनके अश्वमेध के घोड़ा जिसको समझते हैं, इसको बांसवाड़ा के बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। पिछले 4 साल से राज्य में बिजली की किल्लत और किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होने की शिकायतों ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करके रखा हुआ है, तो संकल्प रैली में भी कमोबेश यही मसला छाया रहा। हालांकि सभी वक्ताओं ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम आदमी की भलाई से जोड़कर उनकी जमकर तारीफें की, लेकिन जयपुर ग्रामीण के सांसद लालचंद कटारिया ने अपने संबोधन में किसानों की पीड़ा को उजागर कर एक तरह से यह भी जता दिया कि वह बिजली के मसले पर थोड़ा संवेदनशील होकर काम करें। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि किसानों की दुखती रग पर हाथ रख दिया और मन से गहलोत सरकार से यह मांग भी कर दी कि राज्य सरकार किसानों को पूरी बिजली दे और बिजली की सप्लाई दिन में ही रखे। उन्होंने कहा कि किसानों को रात में नहीं दिन में बिजली की जरूरत है, लिहाजा सरकार उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर दिन में ही बिजली उपलब्ध कराए। सारी सरकार का काम पूरा अच्छी तरह से हो रहा है, किसान को कोई परेशानी नहीं है, गाँव के गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं है, शहर में रहने वाले गरीब परिवार को कोई परेशानी नहीं है। पर मैं कहना चाहूंगा कि किसान को रात को बिजली नहीं देते, दिन में बिजली दी जाए और रात की बिजली उद्योगों को दी जाए। इसी बात को रैली में आए किसानों ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार गांवों में 4-5 घंटे ही बिजली दे रही है, यदि ऐसा ही हाल रहा तो कांग्रेस का सत्ता में आना मुश्किल है। कई लोगों ने जोर देकर कहा कि यदि कांग्रेस चुनाव में हारी तो उसका मुख्य कारण बिजली का मुद्दा ही रहेगा। लाइट नहीं रहेगा तो सरकार नहीं आएगा, नहीं आएगी सरकार। किसान लाइट मांग रही है, लाइट बिल्कुल कम दे रही है, फुलकर दे रही है, सिस्टम दे रही है, किसान बिल्कुल कम है। 8 घंटे नहीं आ रही है, झूठ मत बोलो। 6 घंटे नहीं आ रही, 5 घंटे लाइट अभी आ रही है, 5 घंटे। कांग्रेस की संकल्प रैली आमजन के लिए मुसीबत लेकर आई। गुलाबी नगरी जाम में फंस गई। परकोटे के आसपास रामबाग नारायण सिंह सर्किल JLN मार्ग पर कई किलोमीटर लंबे वाहनों की कतारें लगी नजर आई। परकोटे के अधिकतर बाजारों में अघोषित कर्फ्यू सा माहौल रहा। जाम के कारण दुपहिया वाहन चालक गलियां तलाशते रहे, वहीं रेंग रेंग कर चले और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। इस रैली में दूर दराज से आई बसें भी शहर के मुख्य मार्गों पर खड़ी रही, जिससे जाम खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रैली के कारण शहर की नगरीय परिवहन व्यवस्था चरमरा गई। इससे चारदीवारी और आसपास के इलाकों के हजारों यात्रियों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्ते बंद कर रखे थे, इस कारण मिनी बसों और लो फ्लोर बसों के मार्ग डाइवर्ट करने पड़े। लोगों ने बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था पर रोष जताया। जयपुर शहर के अंदर चारदीवारी के अंदर जो यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ का और बिजी रास्ता है, उसमें इस तरह की रैलियाँ नहीं होनी चाहिए। आम जनता को जो तकलीफ हो रही है वो रैलियों से खत्म होने वाली नहीं है। इन रैलियों का कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ ये सब है ना, जनता को बेवकूफ बनाने वाली रैलियां हैं और जनता को दुखी वाले। और मैं जो एस्थमेटिक हूँ और आज पूरे टाइम में पैदल चल चल के आई हूँ। यातायात पुलिस ने दावा किया था कि रैली में आने वाले वाहन रामनिवास बाग के पास लोगों को उतार कर SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में पार्क होंगे, मगर अधिकतर वाहन JLN मार्ग और टोंक रोड पर बने फुटपाथ पर खड़े हो गए, जिनको यातायात पुलिस नहीं हटा पाई। दूसरी तरफ पुलिस आयुक्त BL सोनी ने ट्रैफिक व्यवस्था को आदर्श बताया और कहा कि शहर में किसी भी जगह से ट्रैफिक जाम की शिकायत नहीं आई। यातायात के हिसाब से एक काफी बड़ी व्यवस्था की गई है, इसके अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिधर से गाड़ियां आ रही है उन सब गाड़ियों को किधर से लाना है, कहाँ पार्किंग करनी है, पार्किंग के 4 जगह अलग अलग डिसाइड किए गए हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क कराई जा रही है। इसके अलावा जहाँ पर रैली है उस वेन्यू के सेक्टर्स बनाए गए हैं अलग अलग, और हर सेक्टर में एक सीनियर ऑफिसर को इंचार्ज बनाया गया है। DCP नॉर्थ ओवरऑल इस व्यवस्था के प्रभारी हैं। पूरा प्रयास किया गया है कि जनता को इससे परेशानी ना हो। अभी आपने देखा होगा कि अभी तक ट्रैफिक के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए थे, पूरा ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से चलाने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें काफ़ी मेहनत की है ट्रैफिक के अधिकारियों ने और DCP नॉर्थ और इनकी सारी टीम ने, और विशेष रूप से कुछ एरियाज पे प्रेशर है JLN मार्ग पे और टोंक रोड पे, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा के डिप्लॉय करके और उसको भी स्मूथ करने का प्रयास किया जा रहा है। रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की रैली
का विरोध करते हुए लोगों ने पुलिस कमिश्नरेट के बाहर नारेबाजी कर गिरफ्तारी दी। सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए जन समस्या निवारण मंच के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद कमिश्नरेट में घुसने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इनका आरोप था कि सरकार के व्यक्तिगत हितों के चलते शहर की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। संकल्प रैली के नाम से सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता मद में चूर होकर के जयपुर शहर में रैली कर रहे हैं और जयपुर शहर के ट्रैफिक की जो लाइफ लाइन है एमआई रोड, इसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। आज सुबह से पूरे शहर का नागरिक डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पूरे जयपुर शहर में ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो चुका है और इस ट्रैफिक जाम होने से शहर के चारों दरवाजे जो एमआई रोड में खुलते हैं, न्यू गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, सिंह द्वार, इतने जाम हो गए कि आज स्टूडेंट अपने एग्जाम देने नहीं जा पा रहे हैं। गर्भवती स्त्रियों को परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस तक जाम में अटकी हुई है। इसको लेकर के आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उनको वहां रोक लिया गया। वो वहां से रामनिवास बाग तक रैली बना के आना चाह रहे थे, उनको वहीं रोका गया है कानून व्यवस्था की दृष्टि से, और उनको 129 सीआरपीसी में डिस्पर्स किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कांग्रेस स्थापना के दिन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की वर्षगांठ के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा से याद किया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बड़ी संख्या में पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं ने हीरालाल शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बस्सी के पास मानसर खेड़ी गांव के शिरडी साईं बाबा मंदिर में गुरुवार को आयोजित सवामणि में भोजन करने से बीमार हुए लोगों की संख्या 500 के पार हो गई है। मरीजों की संख्या बढ़ने पर करीब 250 मरीजों को बस्सी के सरकारी अस्पताल से जयपुर के SMS और जेके लोन अस्पताल में रेफर किया गया है। बीमार लोगों और बच्चों के हालचाल जानने के लिए चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां और विधायक गोलमा देवी भी अस्पताल पहुंची। चिकित्सा मंत्री ने डॉक्टर्स को चिकित्सा में पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के भोज कार्यक्रमों में लोगों को खुद जागरूक रहकर शुद्ध खाने के प्रति सावचेत रहना चाहिए। सवामणि का प्रोग्राम था जिसमें लगता है कि खाने की वजह से बच्चों को और एडल्ट्स को भी, बड़ों को भी फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। इसके लिए मैं खुदा से, ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उनको, बच्चों को और सबको यहाँ इमीजिएटली 10:30 बजे करीब ले आए थे और यहाँ मैं ये कहते हुए बहुत खुशी भी सेटिस्फैक्शन होता है कि यहाँ डॉक्टरों ने इमीडिएट इलाज करना शुरू किया, तो सब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब ने जुट के और बच्चों का और एडल्ट्स का सबका यहाँ इमीडिएट इलाज शुरू किया, जिसकी वजह से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। देर रात बस्सी से आए इन लोगों से मिलने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी SMS अस्पताल पहुंचे थे। अब डॉक्टरों की दो टीमें गांव-गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर दवाओं का वितरण कर रही है। मेडिकल विभाग इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बता रहा है। अब जैसे जैसे लोग स्वस्थ हो रहे हैं उन्हें छुट्टी दी जा रही है। ज्यादातर मरीजों की स्थिति खतरे से बाहर है। सबसे पहला काम हमने किया कार्ड भर्ती करने के पहले उनको देखा कि कौन कौन सीरियस हैं, सेलेक्ट किया कौन कौन बच्चे सीरियस, उनको ड्रिप लगवाई, नेसेसरी इंजेक्शन दिए, फिर उसके बाद तमाम बच्चों के को भर्ती किया। करीब 106 बच्चे सुबह 1:30 बजे तक आते रहे, 1:30-2 बजे तक सबको ड्रिप लगाई और किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही थी, सबको उल्टियाँ हो रही थी। 5 से 10 बच्चे सीरियस थे, उनके डबल ड्रिप भी लगानी पड़ी हमको। और हमने सबसे पहले टाइम भी बहुत क्रूशियल होता है, टाइम ऐसी घटनाओं में टाइम बिना वेस्ट किए पहले इलाज चालू किया, उसके बाद कागज बाद में। शाम की पारी का खाना था, दोबारा से शायद ऐसा लगता है, मेरे को पूरा पता करना पड़ेगा, पर पेशेंट्स ने बताया कि शायद ये खाना दोबारा बना था शाम को। तो जिन्होंने 3:30, 4:30, 5 बजे के जो खाना खाया है वो सारे पेशेंट्स बीमार हुए हैं, उनमें उल्टी और दस्त, जिसमें उल्टी ही ज़्यादा थी, ये पेशेंट्स एडमिट हैं, सभी कंट्रोल्ड हैं। कोकस के पास बेकाबू पिकअप ने इंजीनियरिंग छात्रा को कुचल दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई।
मृतक का सर्वेश्वरी नाथ कुकस स्थित शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा थी। वह शुक्रवार को अपने दोस्त को दिल्ली की बस में बैठाकर वापस हॉस्टल जा रही थी, तभी दिल्ली की ओर से तेज गति से आ रही पिकअप ने सड़क पार कर रही छात्रा को कुचल दिया। छात्रा के साथियों ने आरोप लगाया कि जिस ऑटो में अस्पताल ले जाया जा रहा था वह कांग्रेस की संकल्प रैली के जाम में फंस गई, जिसके चलते इलाज में देरी से उसकी मौत हो गई। जिला प्रशासन ने आधार कार्ड बनाने के काम में तेजी लाने के लिए शहर में अलग अलग 10 स्थानों पर नए केंद्र खोले हैं। ये केंद्र कलेक्ट्रेट, नगर निगम मुख्यालय और नगर निगम के 8 जोन आयुक्त कार्यालयों पर खोले गए हैं। अब तक शासन सचिवालय में 3 और योजना भवन में 1 मशीन लगाकर आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। अब सभी 10 सेंटरों पर 50 अतिरिक्त मशीन लगाकर आधार कार्ड बनाने का काम शुरू हुआ है। हालांकि लोगों की भीड़ देखते हुए यह अतिरिक्त व्यवस्था भी कम नजर आ रही है। शहर में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान में हजारों की संख्या में लोगों ने पट्टे लिए हैं। महापौर ज्योति खंडेलवाल के अनुसार निगम ने मार्च तक परकोटे सहित शहर में 10,000 पट्टे बांटने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि प्रशासन शहरों के संग शिविर अब 15 फरवरी तक जारी रहेंगे। आम व्यक्ति की जो एक चाहत होती है कि उसे एक रहने का अधिकार मिले, मकान का पट्टा मिले, वो इस अभियान के तहत काम किया जा रहा है। कुछ मामलों में कहीं परेशानियां भी आ रही हैं, उन परेशानियों को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। उन परेशानियों को दूर करके हम सरकार से, अगर हमको कुछ रेफरेंस चाहिए तो हम सरकार से रेफरेंस ले रहे हैं। कहीं अपने स्तर पर हमारे पास कागजों की कमी है और JDA से अगर कागज चाहिए तो वहाँ से भी हम जो पेपर्स हैं, रिकॉर्ड है, वो मंगवा रहे हैं। कई जगह जनता खुद भी आगे आ रही है। सबसे खुशी की बात यही है कि जनता का इसमें हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता खुद अपने पेपर्स, अपने कागज जो है वो लेकर के आ रही है और बता रही है कि किस तरीके से इस काम को किया जा सकता है। तो हम उनकी भी बात को सुन करके नियमानुसार जो कार्रवाई हो सकती है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा अभियान सरकार के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है, जिससे आम जनता को राहत मिल रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने भविष्य में यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की है। संघ के प्रतिनिधियों की बैठक में बताया गया कि अगले 2 साल में यूनिवर्सिटी के 386 शिक्षक घटकर 273 रह जाएंगे। दूसरी ओर छात्रों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। इस बिगड़ते अनुपात को सुधारने के लिए विभिन्न स्तरों पर वार्ता की जाएगी। 1 जनवरी को संघ का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 65 वर्ष करने की बात प्रमुखता से रखेगा। साथ ही अन्य मांगों पर भी चर्चा होगी। रूटा की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हो रही है, इसमें 4 मुद्दे हमने मुख्य रूप से टेकअप किए हैं। पहला जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है वो सुपर एनुएशन एज का है, और सुपर एनुएशन एज का मुद्दा कोई व्यक्ति से नहीं है, ये विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अनुसंधानिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए छात्र हित में और विश्वविद्यालय के हित में है, जिसमें UGC ने भी कह दिया, शशि थरूर साहब ने भी कह दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी, और जैसा JP शर्मा साहब ने बताया कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है, और चारों तरीके से हमने प्रयत्न किया। और मुझे विश्वास है कि चिंतन शिविर से पहले पहले शायद राज्य सरकार इस पर शीघ्र क्रियान्विति का आदेश दे। दूसरा मुद्दा CS का है, ये भी बड़ा सेंसिटिव है कि पिछले 5 महीनों से इस न्यायालय के आदेश होने के बावजूद भी ये इनके इन प्रकार ने अभी तक इस कार्रवाई को पूरा नहीं किया गया है। नए साल का स्वागत शहर में हर साल की तरह पूरे जोश और जुनून से होगा। शहर के विभिन्न होटल्स अलग अलग थीम पर सजकर तैयार होने लगे हैं। लोगों के उत्साह में जोश भरने के लिए होटल्स कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। नववर्ष के प्रति मिल रहे उम्दा रुझान से होटल इंडस्ट्री उत्साहित है। नए साल की तैयारियों को लेकर युवाओं में क्रेज देखते ही बनता है। नए साल को उनका खास दिन बनाने के लिए शहर के होटल्स और रेस्टोरों में नए साल के स्वागत के लिए नई थीम बनाई गई है। होटल्स में जश्न के लिए नए लुक वाले डिस्कोथेक तैयार किए गए हैं। खाने पीने में भी नए साल को यादगार बनाने के लिए होटल्स में विशेष इंतजाम किए गए हैं। नए साल के वेलकम के लिए युवाओं में काफी ज्यादा जोश खरोश है, और इसके लिए काफ़ी सारी हमने यहाँ पे तैयारी भी कर रखी है। होटल सफारी में स्पेशली हमने यहाँ पर 2 टाइप की पार्टियाँ रखी हैं। हमने एक जो लावा डिस्को थेक है हमारा, उसके अंदर हमने पार्टी रखी है स्पार्क नाइट नाम से, जिसमें हमारा पूरा का पूरा ब्लू थीम पे होगा। स्पार्क नाइट में मेनली हमारा जो है डिस्को थेक रहेगा, 7 PM टू ऑनवर्ड ये डिस्को थेक रहेगा, जिसमें युवाओं के लिए हमने स्पेशली 5 टाइप्स ऑफ स्नैक्स रखे हैं जो काफ़ी स्पेशल स्नैक्स होंगे। देन हमने मॉकटेल रखा है। जो स्पार्क नाइट है उसकी रेट हमने यहाँ पर कपल की जो रेट है 2500 रखी है,
और गर्ल्स स्टेक में हमने 1500 रुपये रखी है, बॉयज स्टेक में हमने 3000 रुपये रखी है। मेनली जो है डिपेंड करता है, हमारी जो सबसे स्पेशल होगी वो उसकी थीम बेस्ड पार्टी होगी, जो ब्लू थीम होगी वो बहुत ही युवाओं को आकर्षण करेगी और बहुत ही अलग हट करके हमने थीम दी है अब की बार से। हर साल की भांति अब की बार हमने कुछ नया करने की कोशिश की है। 2012 को अलविदा कहने और 2013 के स्वागत करने वालों का दिन खास बनाने के लिए युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए तैयारी की गई है। जिन लोगों को डिस्को का मजा लेना है वो गानों पर थिरकते दिखाई देंगे और जो लोग सूफियाना गानों और गजलों के शौकीन हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके लिए गायक बुलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको भी आता है गुनगुनाना तो आपको भी मौका मिलेगा, साथ में पुरस्कार भी। रूपटॉप है, मचान रूपटॉप है, वहाँ पर हमने एक महफिल नाम से पार्टी की है जो पूरे सूफियाना अंदाज में होगी। उसके अंदर लाइव सॉन्ग होंगे, गजल होंगे, अपनी पसंद के लोग गाने सुन पाएंगे। अगर किसी को गाने गाने का शौक है तो उसको भी मौका दिया जाएगा गाना गाने का। वहाँ पर टोटली है जो पूरा महरूम कलर की थीम होगी, पूरा महरूम कलर से सजाया जाएगा, ओपन होगा वो, तो लोग सर्दी का आनंद भी ले पाएंगे और नए साल को एंजॉय भी करेंगे। मेनली है कि 12 बजे हमारे यहाँ पर एक आतिशबाजी होगी जो काफ़ी अलग हट करके होगी, बहुत ही रंगीन आतिशबाजी होगी। हमने हर टाइप से युवाओं को यहाँ पर मौका दिया है अपनी अपनी पार्टी एंजॉय करने का। सूफियाना अलग दिया है, स्पार्क नाइट अलग दिया है, जिसको डिस्कोथेक जाना है वो डिस्कोथेक जाए, जिसको महफिल गजल का शौक है वो फैमिली के साथ में ऊपर आए। जो हमारा महफिल है उसकी रेट हमने रखी है 2500 कपल एंट्री के अकॉर्डिंग। उसमें हमने टोटली स्नैक्स वेलकम ड्रिंक के साथ में हमने टोटल फूड दिया है, डिनर दिया है उसके अंदर हमने। नए साल के लिए शहर के होटल्स भी पूरी तरह बुक हैं। क्रिसमस की छुट्टियों पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भारत भ्रमण पर आए हैं। इनमें से अधिकतर नववर्ष राजस्थान में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो घरेलू पर्यटकों का भी बेहतर रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अब की बार की बात करूँ तो काफी कुछ क्रेज है। मेनली देखा जाए तो आपका 25 क्रिसमस डे के बाद में यहाँ पर काफी भीड़ होने लगी है, होटल भी पैक होने लगे हैं। और जहाँ तक जयपुर की बात करता हूँ, जयपुर में मोस्टली होटल सारे पैक होने लगे हैं क्योंकि जो होटल्स का एक फेस्टिवल आता है वो 25 से लेकर के 31 तक एक बहुत बड़ा क्रेज होता है, जिसमें देश विदेश के नहीं, यहाँ के जो इंडिया की जो सिटी है वहाँ से भी लोग आते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से, हर जगह के लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। क्योंकि एक तो सर्दी का एक माहौल जो बनता है, एक टूरिस्ट सिटी है और एक अच्छा माहौल बन जाता है इन दिनों, दिसंबर 25 से लेकर के जनवरी 15 तक अच्छा माहौल रहता है, टूरिस्ट की तादाद भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फेस्टिवल का फेस्टिवल हो जाता है, लोग घूमने आते हैं अपनी और छुट्टियां भी एंजॉय कर लेते हैं। नववर्ष का दिन यादगार रहे यही सोचकर सब इसकी तैयारी में पहले से ही जुट जाते हैं। यही कारण है कि लोगों को भरपूर लुत्फ देने के लिए शहर भर के होटल्स और क्लब्स ने खास तैयारियां की है। नए साल को देखते हुए शहर भर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। 31 दिसंबर की रात को लोगों को सेलिब्रेशन कराने के लिए होटल्स अलग अलग थीम पर सजकर तैयार है। बस इंतजार तो उस घड़ी का है जब 31 दिसंबर की रात के 12 बजेंगे और सभी लोग एक दूसरे को कहते दिखाई देंगे हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2013। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ डीजी न्यूज के लिए मैं राहुल भारद्वाज। डीजी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।